बॉक्स ऑफिस पर कौन सी फिल्म हिट होगी या कौन सी फिल्म फ्लॉप होगी, कहते हैं कि इसे कोई नहीं बता सकता और ये बात एक हद तक सही भी है। एक्चुअली फिल्म होती क्या है? फिल्म एक मैथ्स की कैलकुलेशन की तरह होती है। अगर कैलकुलेशन सही है तो फिल्म हिट होगी और कैलकुलेशन अगर ठीक नहीं है तो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी। इस कैलकुलेशन को मैंने एक नाम दिया है, इसका नाम है ASA कैलकुलेशन, यानी ऑडियंस साइकोलॉजिकल एनालाइज। ऑडियंस साइकोलॉजी एनालाइज होता क्या है? ऑडियंस साइकोलॉजी वो चीज़ है जिस पर पूरी फिल्म का हिट होना या फ्लॉप होना डिपेंड करता है। फिल्म स्क्रीन पे चल रही होती है पर एक्चुअली में वो फिल्म चल रही होती है ऑडियंस के माइंड में, और माइंड से रिलेटेड होता है फीलिंग्स एंड लॉजिक। और ये दो एप्लीकेशंस माइंड के जब भी कोई फिल्म मेकर इग्नोर करता है तो फिल्म फ्लॉप हो जाती है। आज हम ये जानेंगे कि फिल्म मॉन्सून शूटआउट क्यों बेहतरीन डायरेक्शन, बेहतरीन सिनेमेटोग्राफी, बेहतरीन एडिटिंग और बेहतरीन बैकग्राउंड स्कोर और भी बहुत कुछ अच्छा होने के बावजूद क्यों फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल नहीं दिखा पाई जो उसे दिखाना चाहिए था। हाय, माय नेम इज़ इब्राहिम एंड यू आर वॉचिंग फिल्म मैनिया। तो आइए शुरू करते हैं। इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है गुनीत मोंगा, ट्रेवर एग्मैन, मार्टिन्स डी ग्रंट ने। प्रोडक्शन कंपनी का नाम है सिखा एंटरटेनमेंट एंड DAR मोशन पिक्चर्स। डायरेक्टर एंड राइटर हैं अमित कुमार, सिनेमेटोग्राफर हैं राजीव रवि। बैकग्राउंड स्कोर दिया है आतिफ अफजल एंड गिंगर शंकर ने। फिल्म एडिटेड बाय ईवा लिंड एंड अतानु मुखर्जी। फिल्म की स्टार कास्ट है वन ऑफ माय फेवरेट नवाजुद्दीन सिद्दीकी, विजय वर्मा, तनिष्ठा चैटर्जी, नीरज कबे, गीतांजलि थापा एंड सृजिता डे। ये फिल्म रिलीज की गई थी कैनन फिल्म फेस्टिवल में, जहां पर फिल्म को पॉजिटिव रिस्पांस मिला था ऑन 18 मई 2013 को, और इंडिया में ये फिल्म रिलीज हुई थी 15 दिसंबर 2017 को। इंडिया में इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पांस नहीं मिला और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 1 करोड़ भी क्रॉस नहीं किया था। अब हम जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था। अब चलते हैं फिल्म के एनालाइज पर। फिल्म स्टार्ट होती है मुंबई के एक कॉमन रोड से, जहां पर मुंबई का एक फेमस फेस्टिवल दही हांडी का सीन दिखाया गया है, और विद इन सम सेकेंड एक किलर एक बिजनेसमैन का रोड पर उसकी ही गाड़ी में मर्डर करता है, जिससे ऑडियंस को एक बात तो ये क्लियर हो जाती है कि फिल्म मुंबई अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड है। ये एक तरह से फिल्म को डिफाइन करना ही है कि डायरेक्टर फिल्म में क्या दिखाना चाहते हैं। इससे ऑडियंस थोड़ी रिलैक्स होती है फिल्म के प्लॉट को लेकर कि ये एक फिल्म मुंबई अंडरवर्ल्ड से रिलेटेड है। फिल्म 2 मिनट में और आगे बढ़ती है और फिल्म का हीरो आदि की एंट्री दिखाई जाती है, जो कि सल्यूटिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है क्योंकि आज उसकी ड्यूटी ज्वाइनिंग का फर्स्ट डे है। नेक्स्ट 20 सेकेंड्स में यहाँ फिल्म के स्टोरी का प्लॉट भी क्लियर होता है कि जिंदगी में 3 रास्ते होते हैं, सही रास्ता, गलत रास्ता और बीच का रास्ता, और जिस दिन ये रास्ता किसी को मिल जाता है तो उसके मन को शांति मिलती है, पर ये रास्ता चूज करना आसान नहीं होता। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ कि बड़े से बड़े फिल्म डायरेक्टर अपनी फिल्म में क्या दिखाना चाह रहे हैं, वो ये ऑडियंस को फिल्म स्टार्ट होने के हाफ एन आवर, 1 आवर के टाइम तक भी क्लियर नहीं कर पाते, पर यहाँ इस फिल्म में डायरेक्टर अमित कुमार ने फिल्म के स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया है कि वो ऑडियंस को क्या दिखाना चाहते हैं, यानी फिल्म को डिफाइन कर दिया है। पर एक बात यहाँ जो मिस्टेक मैंने नोटिस की कि फिल्म को बहुत जल्दी विद इन 3.5 मिनट्स में ही डिफाइन कर दिया गया है, जो कि बहुत बड़ा रिस्क होता है क्योंकि डायरेक्टर ने ऑडियंस को संभलने का मौका नहीं दिया। यहाँ पर ऑडियंस के माइंड में फिल्म के स्टोरी का फ्रेम ठीक से क्रिएट ही नहीं हुआ, जो कि बहुत बड़ी मिस्टेक है। फिल्म नॉर्मली आगे बढ़ती है और फिल्म का हीरो आदि शिवा यानी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी का पीछा करते हुए एक रेलवे ट्रैक के पास जाता है और उसको अपने गन पॉइंट पे रुकने के लिए कहता है, बिकॉज ही इज सस्पेक्ट ऑफ द किलर, जो स्टार्टिंग सीन में दिखाया गया है, और उससे कहता है कि हे रुक जा पुलिस। आगे की पूरी फिल्म इसी एक डायलॉग के आसपास घूमती है। इस डायलॉग के साथ आदि पे एक फ्लैश सीन दिखाया गया है और फिल्म आगे बढ़ जाती है और फिर ऑडियंस फिल्म में खो जाती है। फिल्म
33 मिनट्स तक बिल्कुल ठीक चलती है। ऑडियंस स्टोरी का मज़ा ले रही होती है, स्टोरी में फ्लो हो रही होती है, सब कुछ ठीक चल रहा होता है। 33 मिनट्स फिल्म चलने के बाद सीन में शिवा आदि और उसकी गर्लफ्रेंड अनु पर एसिड फेंकता है और एक चीख के साथ आदि एक ट्रांस से बाहर आता है और ऑडियंस आदि को वहीं देखती है जहां से आदि गन होल्ड किए हुए रुका हुआ है शिवा की तरफ। मीन्स ये जो भी फिल्म ऑडियंस ने देखी वो अब जाकर ऑडियंस रियलाइज कर पाती है ये सब आदि के इमेजिनेशन में चल रहा था। इस सीन के बाद ऑडियंस का माइंड थोड़ा अपसेट होता है क्योंकि वो खुद को चीटेड फील कर रही है क्योंकि ये सब इमेजिनेशन में चल रहा था। इस बात का पता ऑडियंस को नहीं था जो कि होना चाहिए था। और फिर आदि फिर से वही डायलॉग कहता है, हे रुक जा पुलिस। और फिर से आदि पर एक फ्लैश सीन दिखाया जाता है और आदि अपनी इमेजिनेशन की घटनाओं से सबक लेकर शिवा को शूट कर देता है और फिर फिल्म आगे बढ़ जाती है। अब ऑडियंस को ये फील होता है कि असली फिल्म तो अब शुरू हुई है और फिर से ऑडियंस फिल्म में खो जाती है बिकॉज ऑफ बेहतरीन एग्जीक्यूशन ऑफ द फिल्म। फिल्म 53 मिनट्स नॉर्मली आगे चलती है, सब कुछ ठीक रहता है, ऑडियंस फिल्म को एंजॉय कर रही होती है और फिर एक टर्निंग पॉइंट पे पहुंच जाती है जहां शिवा का बेटा आदि को शूट करने जाता है और खुद मारा जाता है। और यहां पर आदि फिर से ट्रांस से बाहर आता है और वहीं पर आदि को दिखाया जाता है जहां पर शिवा के तरफ आदि गन पॉइंट आउट कर खड़ा हुआ है। मतलब ये सारी जो मूवी ऑडियंस ने देखी ये सब कुछ भी इमेजिनेशन में हुआ। यहाँ पर ऑडियंस फिर से चीटेड फील करती है और इस बार ऑडियंस को थोड़ा गुस्सा आता है क्योंकि वो रिपीटेडली सेकेंड टाइम चीट हुई है। इतने में ही आदि पे एक और फ्लैश सीन दिखाया जाता है और अब ऑडियंस कंफ्यूज्ड है कि ये अब ये जो स्क्रीन पर फिल्म चल रही है ये भी रियल है या आदि के इमेजिनेशन में चल रही है। पर फिल्म की एग्जीक्यूशन अमित वर्मा की इतनी बेहतरीन है कि ऑडियंस फिर से फिल्म की स्टोरी में खो जाती है। फिल्म के इतने आगे आ जाने पे ऑडियंस इतना तो समझ ही जाती है कि आदि ने दो ऑप्शन छोड़कर बीच का रास्ता चूज किया है और ऑडियंस थोड़ी रिलैक्स्ड होती है और ये सोचती है कि अब फिल्म का मेन पार्ट शुरू हुआ है और ऑडियंस फिर से फिल्म को एंजॉय करने लगती है। फिल्म आगे बढ़ती है और जैसे ही ऑडियंस को लगता है कि फिल्म अपनी खूबसूरत एंडिंग पे पहुंच रही है तभी फिल्म के एंडिंग में आदि को एक बुलेट शॉट होती है और आदि अपनी ट्रांस से बाहर आता है जहां शिवा ने उसको शूट कर दिया होता है। मीन्स फिल्म का ये पार्ट भी आदि के इमेजिनेशन में चल रहा होता है और आदि शिवा के हाथों मारा जाता है। ऑडियंस का यहाँ पर टोटल माइंड अपसेट हो जाता है क्योंकि जब भी ऑडियंस ये सोच रही होती है कि वो एक रियल फिल्म देख रही है तब ऑडियंस के साथ तब उसके साथ डायरेक्टर ने चीटिंग की है। ऑडियंस का माइंड टोटली फिल्म के लिए गुस्से से भर जाता है और ऑडियंस फिल्म को लेकर टोटली निगेटिव हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट इज इसके बाद क्या होता है। इस फिल्म को देखने के बाद अब मैं आपको ऑडियंस के माइंड का फाइनल स्टेटस बताता हूँ। ऑडियंस ने इस फिल्म को पूरा देखने के दौरान अपने आप को 3 बार चीटेड फील किया। क्यों किया? क्योंकि पूरी की पूरी फिल्म की जो घटनाएं हैं वो सब इमेजिनेशन में घटित हो रही होती हैं, जबकि ऑडियंस ये एक्सपेक्ट करती है कि जो भी घटनाएं या स्टोरी वो देखें वो फिल्म में रियल में होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा ऑडियंस साइकोलॉजिकल पॉइंट है जो बहुत से डायरेक्टर्स पता नहीं क्यों इसको इग्नोर करते हैं। ऑडियंस के हिसाब से कहूँ तो ऑडियंस ने ये फिल्म सिर्फ 14 मिनट ही देखी क्योंकि फिल्म के 14 मिनट के बाद ही आधी फिल्म में इमेजिनेशन में जाने लगा। ऑडियंस के हिसाब से उन लोगों ने फिल्म देखी ही नहीं क्योंकि फिजूल की इमेजिनेशन को देखना ऑडियंस को पसंद ही नहीं। इन सारे रीजन से ऑडियंस फिल्म को फ्लॉप या बकवास घोषित कर देती है। नेक्स्ट मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूँ एग्जैक्टली क्या किया जा सकता था जिससे ये फिल्म संभल सकती थी। फर्स्ट पॉइंट, स्टोरी का जो प्लॉट है वो इतने जल्दी 3.5 मिनट्स के अंदर क्लियर नहीं करना चाहिए था। यस, मैं वही पॉइंट की बात कर रहा हूँ, लाइफ में 3 रास्ते होने वाला पॉइंट। फिल्म की एग्जीक्यूशन तो शानदार थी पर
थोड़ा सा स्टार्टिंग में फिल्म रन होने देते और 15 मिनट के आसपास या 20 मिनट के आसपास फिल्म के स्टोरी का प्लॉट क्लियर करना चाहिए था, जिससे स्टोरी फ्रेम ऑडियंस के माइंड में ठीक से क्रिएट होती। नेक्स्ट पॉइंट, जब पहला फ्लैश आदि पर होता है और अपनी इमेजिनेशन दुनिया में वो जाता है, उसके ठीक पहले वो 3 रास्ते वाला पॉइंट रिवाइंड करना चाहिए था, ताकि पब्लिक को ये पता होता है कि वो क्या देखने वाली है नेक्स्ट सीन में। नेक्स्ट, फिल्म के हीरो का इमेजिनेशन वर्ल्ड में जाने का जो बेस है वो क्लियर नहीं किया गया है, जिसको मैं प्री डिफाइंड बोलता हूँ, जो कि करना चाहिए था। फ्लैश सीन को भी प्री डिफाइंड करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज, फिल्म की मेन प्रॉब्लम ये थी कि स्टोरी का जो कॉन्सेप्ट है वही रॉन्ग है। बताता हूँ मैं कैसे। क्योंकि अगर फिल्म के डायरेक्टर अमित कुमार आदि के इमेजिनेशन वर्ल्ड में जाने को प्री डिफाइंड भी कर देते, जो कि करना चाहिए था, तो आदि के इमेजिनेशन वर्ल्ड में हर बार जाने पर एक ही कैरेक्टर अलग अलग कैसे बिहेव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट इमेजिनेशन में शिवा के बैग में गन मिलती है, पर उसी सेकेंड इमेजिनेशन में उसके बैग से कंपस बॉक्स और बुक्स मिलती है। लाइक दैट, इन दोनों इमेजिनेशन को प्री डिफाइंड करके भी मैनेज कैसे कर पाते अमित कुमार जी, कैसे? दिस मीन्स रॉन्ग स्टोरी चूज की गई और स्टोरी का कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग है। सिंपल। और अंत में बस मैं यही बोलना चाहूँगा कि इस फिल्म में सब कुछ सही था, बेस्ट टीम थी, सारी की सारी टीम मेंबर बेस्ट थी, क्योंकि मैंने फिल्म देखने के दौरान कहीं भी मैंने कुछ भी मिस नहीं फील किया, विदाउट एक्सेप्ट द स्टोरी ऑफ द कॉन्सेप्ट जो मैंने बात की अभी। फिल्म में एक्टिंग से लेकर डायरेक्शन तक सब कुछ फैंटेस्टिक था, मैंने फिल्म एंजॉय भी की। बस एक ही प्रॉब्लम थी, रॉन्ग कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरी, और फिल्म में कुछ सीन्स प्री डिफाइन करने चाहिए थे जो कि डायरेक्टर ने नहीं किए। और आप लोगों को क्या लगता है कि फिल्म किस वजह से फ्लॉप हुई, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और फिल्म मैनिया में आज के लिए इतना ही, मैं आपको फिर मिलूंगा बॉलीवुड के एक और नए फिल्म के साथ, ये पता लगाने कि वो क्यों हिट हुई या क्यों फ्लॉप हो गई। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर फिल्म का एनालाइज करूँ, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फिल्म का नाम ज़रूर लिखें, मैं जितने जल्दी हो सके उस फिल्म पर वीडियो बनाऊंगा। प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।